गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर लेसन नंबर 8, बॉडी मूवमेंट. कुछ चीज़ें बची हैं बॉडी मूवमेंट में, थोड़ी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. ओके, तो ये देखिए, हमने कल आपको किसके बारे में पढ़ाया था, स्नेल के बारे में. ओके, और अर्थवॉर्म के बारे में. तो अर्थवॉर्म और स्नेल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उनके क्या क्या फैक्ट्स, अमेजिंग फैक्ट्स हमने पढ़े. आज हम पढ़ते हैं कॉकरोच के बारे में, एक्टिविटी 7 एंड ओपन एट पेज नंबर 74. तो देखिए, ऑब्जर्व अ कॉकरोच, आपको कॉकरोच को ऑब्जर्व करना, जो कि 8.20 में बना हुआ है. कॉकरोच वॉक एंड क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई इन द एयर. कॉकरोच जो होते हैं वो चल भी सकते हैं, चढ़ भी सकते हैं, और यहाँ तक कि वो उड़ भी सकते हैं. कॉकरोच जो है वो उड़ भी सकते हैं, वॉक क्लाइंब एंड एज वेल एज फ्लाई भी कर सकते हैं. दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग. कॉकरोच के पास 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, मतलब टोटल 6 पैर होते हैं उनके पास. दीज हेल्प इन वॉकिंग. ये पैर उनको वॉकिंग में, मतलब चलने में मदद करते हैं. द बॉडी इज कवर्ड विथ अ हार्ड आउटर स्केलेटन. इनकी जो बॉडी होती है ऊपर से एकदम हार्ड होती है, एकदम स्केलेटन जो इनका होता है, हड्डियों का जो ढांचा होता है वो बहुत हार्ड होता है ऊपर से. दिस आउटर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स ज्वाइन टुगेदर. ये जो उनका ऊपरी स्ट्रक्चर होता है ये किससे मिलके बना होता है, बहुत सारी प्लेट्स आपस में ज्वाइंट होती हैं जिसकी वजह से ये मूव कर पाते हैं. ऊपर का जो स्ट्रक्चर है ये बहुत सारी प्लेट्स से मिलके बनता है और बहुत ही स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से कॉकरोच जो है वो मूव कर पाते हैं. फिर देखिए, देयर आर 2 पेयर ऑफ विंग्स. इनके पास 2 पेयर ऑफ विंग्स, मतलब 4 पंख होते हैं. अटैच टू द बॉडी बिहाइंड हेड, मतलब इनके ये अटैच्ड होते हैं हेड के पीछे, है ना, बिहाइंड हेड. द कॉकरोचेज हैव डिस्टिंक्ट मसल. कॉकरोच के पास बहुत सारी मसल्स होती हैं. दोज नियर द लेग्स, लेग्स के पास मूव द लेग्स, जो लेग्स के पास मसल्स होती है वो उनको मूव करने में हेल्प करते हैं, मूव करने में और वॉकिंग करने के लिए, ठीक है ना. इनके पास पैर कितने होते हैं, 3 पेयर्स होते हैं, मतलब टोटल 6 पैर होते हैं. विंग्स इनके पास हमने कितने पढ़े, विंग्स इनके पास 4 होते हैं, है ना. फिर देखते हैं, दोज नियर देयर आर 2 पेयर ऑफ विंग. 2 पेयर्स मतलब 4 पंख होते हैं, पेयर्स में 2 होते हैं, जो कि इनको मूव करने में, चलने में मदद करते हैं. दोज नियर द लेग्स मूव द लेग फॉर वॉकिंग. द बॉडी मसल मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाइज. तो जो बॉडी में, जो कॉकरोच की बॉडी में जो मसल्स होते हैं वो इनको विंग्स, मतलब इनको उड़ने में हेल्प करते हैं. ओके, द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स. बॉडी की जो मसल्स होती हैं वो विंग्स को हेल्प करती है, जिससे कि विंग्स मूव कर पाएँ और कॉकरोच जो है वो उड़ पाएँ. ओके, बॉडी मसल्स का भी रोल होता है कॉकरोचेस की बॉडी में. ओके, क्योंकि बॉडी मसल्स जो होते हैं वो विंग्स को हेल्प करते हैं, जिससे विंग्स जो हैं अप एंड डाउन मूव कर पाएँ. अब देखते हैं, हम बात करते हैं बर्ड्स. बर्ड्स मीन्स क्या होते हैं, पक्षी. तो बर्ड्स फ्लाई इन द एयर. बर्ड्स जो है, बर्ड्स का नेचर ही फ्लाई होता है, बर्ड्स उड़ते हैं. वॉक ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड में चल भी सकते हैं. पक्षी जितने होते हैं उनका नेचर फ्लाइंग होता है और वो वॉक भी कर सकते हैं ग्राउंड में. सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वान्स ऑल्सो स्विम इन वाटर. कुछ बर्ड्स, कुछ पक्षी जैसे बतख हो गए और हंस हो गए, ये पानी में तैरते भी हैं. द बर्ड्स कैन फ्लाई. बर्ड्स जो हैं वो किस वजह से फ्लाई कर सकती है, बिकॉज देयर बॉडीज़ आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग. क्योंकि उनकी बॉडी का मेन जो गॉड गिफ्टेड नेचर ही बर्ड्स के लिए होता है फ्लाइंग करना, उनकी बॉडी जो होती है वो फ्लाइंग करने के लिए ही होती है. देयर बोन्स आर हॉलो. जो बर्ड्स के, पक्षियों की जो हड्डियाँ होती हैं बहुत खोखली होती हैं और हल्की होती हैं. द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स, पक्षियों के जो पीछे वाले हड्डियाँ होती हैं, पीछे साइड्स की जो हड्डियाँ होती हैं, आर टिपिकल, थोड़ी सी टिपिकल अजीब टाइप की होती हैं, वो चलने में उनकी मदद करते हैं. ओके, द बोनी पार्ट्स ऑफ द फोर लिम, और इनके जो फोर लिम, मतलब आगे वाला जो बोनी पार्ट्स है, हड्डियों का ढांचा है, आर मॉडिफाइड एज विंग. वो विंग्स के पास होता है, वो ऐसे मॉडिफाइड हुआ होता है कि द शोल्डर बोन्स, इनके जो पक्षियों के शोल्डर बोन्स होते हैं बर्ड्स के, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. और इनके जो ब्रेस्ट बोन होती है, जो यहाँ पे इधर सामने साइड ब्रेस्ट बोन होती है, वो मसल्स को इस तरीके से पकड़ के रखती हैं कि जिससे कि वो आसानी से अपने पंखों को ऊपर और नीचे मूव कर सके. जो ब्रेस्ट बोन होती है वो मसल्स को इस तरीके से पकड़ के टाइटली रखती हैं, जिससे कि जो विंग्स हैं वो अप एंड डाउन मूव कर सके. कौन सी बोन, ब्रेस्ट बोन इन द बर्ड्स. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फिश. नाउ एट एक्टिविटी 8,
फिश देखिए, फिश को देखिए, फिश के लिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है बोट का, कि बोट थोड़ा थोड़ा अगर आप देखेंगे ध्यान से तो फिश जैसा ही बॉडी स्ट्रक्चर लगता है। इसे बताया गया कि एक बोट बनाइए, बोट को पीछे से पुश करेंगे तो ज़रूर इजिली से मूव करेंगे। अगर आप बीच से मूव करना चाहेंगे, जो ब्रॉड पार्ट बोट का जो बीच वाला पार्ट है उसको पकड़ के मूव करेंगे तो वो बोट इतनी आसानी से मूव नहीं करेगी। नाउ वी आर एट पेज नंबर 75। Have you noticed that the shape of a boat? कभी आपने बोट का शेप देखा है तो ये लगभग फिश के जैसा ही दिखता है। फिगर 8.23 में अगर आप देखें तो द हेड एंड द टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडिल पोर्शन। फिश का जो हेड पार्ट होता है और पूंछ वाला पार्ट टेल पार्ट होता है वो बीच वाले पार्ट से क्या होता है, बहुत पतला होता है। हेड भी पतला होता है और टेल भी जो होती है वो पतली होती है, बीच वाला पार्ट जो होता है उनका चौड़ा होता है, किसका, फिश। ओके, मिडिल पोर्शन थोड़ा सा उनका चौड़ा होता है, बड़ा होता है। द बॉडी टेपर्स एट द बोट बोथ एंड्स, दोनों एंड्स पे क्या होते हैं उनके, पतले पतले शेप के होते हैं। दिस बॉडी शेप, और यही इसी बॉडी शेप को स्ट्रीम लाइन कहा गया है। द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट ईजली एंड अलाउ द फिश टू मूव इन वाटर। इनका शेप ऐसा होता है, आपको मैंने बताया कि आगे हेड वाला पार्ट बहुत पतला होता है, बीच वाला चौड़ा होता है, फिर पतला होता है। तो इनका इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर ही इनको मदद करता है कि इनके बगल से पानी आसानी से गुजर जाता है और ये आसानी से पानी में स्विम कर पाती हैं। ओके, द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल। फिश का जो ऊपरी पार्ट होता है, स्केलेटन होता है, वो जो होता है वो उसमें पूरी तरह से वो स्ट्रॉन्ग मसल्स से ढका हुआ होता है। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स। ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है फिश का वो पूरी तरह बहुत ही मजबूत मांसपेशियों से पूरा बना हुआ होता है। ड्यूरिंग स्विमिंग, जब ये स्विमिंग करती है, मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग्स टूवर्ड्स द अपोजिट डायरेक्शन। जब ये स्विम करती हैं, फिशेज को अगर आपने कभी तैरते हुए देखा होगा तो जब इनका जो हेड है ऐसे है तो इनकी पूंछ जो होती है वो इधर अपोजिट होगी, अगर इनका हेड ऐसे है तो इनकी जो पूंछ है वो ऐसे होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया, द फिश फॉर्म्स अ फिश जो है एक कर्व शेप का बनाती रहती है जिसकी वजह से उनको एक पुश मिलता है और वो तैरती जाती है ना, उनको एक जर्क मिलकर जर्क और स्ट्रॉन्ग पुश मिलता रहता है जिसकी वजह से वो आगे की आगे मूव करती जाती है। क्योंकि उनका हेड अगर इस तरफ मूव कर रहा है तो उनका जो पीछे वाला पार्ट है वो अदर डायरेक्शन में मूव करता है जिसकी वजह से एक जर्क लगता रहता है, जर्क से उनको आगे बढ़ने के लिए एक हेल्प मिलती रहती है। ओके, अ सीरीज ऑफ सच जर्क मेक द, इसी तरह के कई बहुत सारे जर्क, बहुत सारे स्टेप्स मिलते रहते जिसकी वजह से उनके टेल में एक फिन्स होता है जो कि उनको तैरने में मदद करता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे दिखाया भी जा रहा है मूवमेंट फिश की, बताया देखिए हेड एक साइड है और इनकी जो पीछे की टेल है वो अदर साइड में मूव कर रही है। फिश ऑल्सो हैव अदर फिन्स, फिश के पास और भी फिन्स होते हैं उनके बॉडी में, विच जिनका मेनली काम होता है कि उनकी बॉडी का बैलेंस बना रहे और वो मूव करती रहें, डायरेक्शंस उनको मिलती रहे वाइल स्विमिंग। डिड यू एवर नोटिस, कभी आपने नोटिस किया है अंडर वाटर डाइवर्स, अगर जो पानी में अंदर जाते हैं, जो लोग पानी में जाते हैं वो भी अपने पैरों में एक फिन्स, मछलियों के आकार का जो पीछे फिन्स होते हैं उनके आकार के वो पैरों में पहन के रखते हैं, क्यों, जिससे कि वो पानी में ईजिली मूव कर सके, फ्लिपर्स जिन्हें कहा जाता है वो उसको पहन के रखते हैं और आसानी से पानी में मूव कर जाते हैं। ओके, हाउ डू स्नेक मूव, अब हम पढ़ते हैं कि स्नेक्स मूव कैसे करते हैं। यू सीन अ स्नेक स्लिथर, कभी आपने सांप को लुढ़कते हुए देखा है या आपने कभी उसको चलते स्ट्रेट देखा है कभी, तो चलिए 8.25 में देखते हैं। स्नेक्स हैव अ लॉन्ग बैकबोन, स्नेक के पास बहुत लंबी बैकबोन होती है। दे हैव मैनी थिन मसल्स, इनमें बहुत पतली पतली मसल्स होती हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अदर, इनकी मसल्स जो होती बहुत पतली होती हैं, ये सब आपस में कनेक्टेड होती हैं मगर सब दूर, इनकी सारी मसल्स दूर दूर होती हैं मगर आपस में जुड़ी हुई होती हैं। ओके, मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्ट, द मसल्स जो हैं स्नेक के बॉडी में जो मसल्स होती हैं वो किससे किससे देखिए कनेक्टेड होती है, बैकबोन से, रिब्स से और इनकी स्किन से। द स्नेक्स बॉडी कर्व इंटो मैनी लूप्स, मतलब कि स्नेक की जो बॉडी है वो लूप्स में, कभी आप स्नेक को स्ट्रेट चलते हुए नहीं देखेंगे, स्नेक हमेशा ऐसे लूप्स बना के मूव करता है और वो जो ये लूप्स बनाता है राउंड शेप में, यही लूप्स उसको उसको मतलब जब वो लूप्स बनाता है स्नेक तो ग्राउंड से उनको एक पुश मिलता है जिसकी वजह से वो मूव कर पाते हैं। ओके, अगर वो लूप्स नहीं बनाएंगे तो वो मूव नहीं कर पाएंगे, लूप्स बनाते हैं तो उनको ग्राउंड से एक पुश मिलता है जिसकी वजह से वो मूव कर पाते हैं। कभी भी आप स्नेक को स्ट्रेट मूव करते नहीं देखेंगे, स्नेक जो है वो ऐसे ऐसे ही लूप्स बना के ही मूव करता है क्योंकि इससे उनको मूवमेंट में हेल्प मिलती है। ओके, ये हो गया।
ईच लूप्स गिव दिस पुश द स्नैक मूव फॉरवर्ड वेरीफाई, इसीलिए स्नैक जो है तेजी से मूव करवाता है एंड नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, कभी स्नैक स्ट्रेट लाइन में आप कभी भी चलते हुए नहीं देखेंगे. ओके, वी हैव लर्न अबाउट द यूज ऑफ बोन्स एंड मसल्स फॉर द मूवमेंट, हमने कई बोन्स और मसल्स के यूज देख लिए कि किस तरीके से मूवमेंट में अलग अलग जानवरों को किस किस तरीके से बोन्स और मसल्स से हेल्प मिलती है मूवमेंट करने में. पहेली और बूझो के पास अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन है, उनके थैले में अभी भी बहुत क्वेश्चन है, वो बहुत कन्फ्यूज है कुछ चीज़ों को लेकर, तो उनके पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके उनको आंसर नहीं मिले हैं. द एंशियंट ग्रीक, एक पुराने ग्रीक फिलोसफर है अरिस्टोटल, उन्होंने अपनी बुक गेट ऑफ एनिमल, गेट ऑफ एनिमल बुक में क्या है कि एनिमल्स कैसे मूव करते हैं उसके बारे में है. डिफरेंट एनिमल्स के पास, अलग अलग एनिमल्स के पास अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं, फिर वो अलग अलग अपने बॉडी पार्ट्स का कैसे यूज़ करते हैं मूवमेंट में, फ्लाइंग में, है ना, वॉकिंग में, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं. तो ये भी क्वेश्चंस है मन में कि ह्यूमंस के पास दो ही पैर होते हैं मगर जानवरों के पास चार फोर पैर होते हैं, सिक्स पैर होते हैं, एट लेग्स होते हैं, तो ऐसा क्यों, उनके पास दो ही क्यों नहीं होते हैं. तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि हमारे बॉडी मूवमेंट में मसल्स और बोन्स के क्या क्या काम होते हैं, कौन से एनिमल्स को किस बॉडी पार्ट से वो मूव कर पाते हैं, कहाँ से वो फ्लाइंग करते हैं और किसका क्या नेचर है. ओके, सो ये योगा जो है फॉर बेटर हेल्थ, अच्छी हेल्थ के लिए योगा क्यों ज़रूरी है ये आपको खुद पढ़ना है. योगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि हर साल 21 जून को मनाया जाता है. ये हमें एकदम फिट एंड फाइन रखती है ना, हमें कोई बीमारियां नहीं लगती हैं अगर हम योगा को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं. ओके, तो आज से हमारा लेसन नंबर 8 जो है वो फिनिश हो चुका है पूरी तरह से, क्वेश्चन आंसर्स तो पहले ही मिल गए थे आपको. अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो से लेसन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच.